दोस्तों, मैं हूं नसीर तगाले और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आज की न्यूज में आपका स्वागत। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है। पूरी दुनिया इस कोरोना बीमारी से परेशान है। इस कोरोना बीमारी से बचने के लिए हम अपनी खुद हिफाजत कर सकते हैं। घर से जब बाहर जाएं, बाहर से घर आएं, तो दोनों हाथ पैर पानी से धो लें या लिक्विड से अपने हाथ धोकर अंदर जाएं। किन्नौर नगर पालिका की तरफ से बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो रही है, ऐसा बहुत से लोग कह रहे हैं। किन्नौर में जगह जगह कचरे के ढीक, नालियों में साफ सफाई नहीं। किन्नौर की रोडों पर गंदे जानवर बैठे नजर आते हैं। किन्नौर के रोडों पर गंदे गधे, कुत्ते, सुअर, ये सब से ज़्यादा रोडों पर गंदे हरकतें करते नजर आते हैं। लेकिन किन्नौर नगर पालिका सिर्फ नाम की है, काम नजर नहीं आता। कचरे का टेंडर महीना 14 लाख रुपए है, लेकिन इस कचरे के टेंडर के गुत्तेदार को कोई नहीं कहता। वो गुत्तेदारी इन सब को डराता है। इसीलिए किन्नौर के हर वार्ड में कचरे के ढीक और नालियों में गंदगी भरी पड़ी मिलती है। जो काम करने वाले होते हैं वो सुस्त काम करते हैं। वो काम करने वाले ऐसे काम करते हैं जैसे वो खुद बीमार है, मगर हमारे नगर अध्यक्ष, वो CEO, इस तरफ ध्यान नहीं देते। और ध्यान गया भी तो नजरें झुकाकर चले जाते हैं। मगर किन्नौर में हर तरफ गंदगी भरी पड़ी है, इसीलिए बीमारियों का शिकार लोग होते जा रहे हैं। किन्नौर नगर पालिका में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। किन्नौर की रोडों के काम देखो, फिर जैसी थी वैसी हो गई। सिर्फ खाने से मतलब, कामों नाम से क्या, ऐसा बहुत से लोग कह रहे हैं। किन्नौर के बहुत से लोगों ने कहा है कि हर वार्ड में जाकर देखो कौन सा ऐसा वार्ड है जहां पर गंदगी नहीं है। सिर्फ फोटो निकालकर या बैनर लगाकर गंदगी दूर नहीं होती, ऐसा किन्नौर के निवासी कह रहे हैं। किन्नौर एक कदम स्वच्छता की ओर के बैनर और दीवारों पर लिखा नजर आएगा, मगर स्वच्छता ये सिर्फ नगर पालिका को ही नजर आती है। किन्नौर के कौन से वार्ड है जहां पर 2 साल में कौन सा नगर अध्यक्ष या नगर सेवक जाकर लोगों की बात सुनी है, ऐसा किन्नौर के बहुत से नागरिक कह रहे हैं। किन्नौर की नई कमेटी बनकर 2 से 3 साल होने आ रही है, मगर किन्नौर के एक भी वार्ड का किसी ने काम किया हो या कोई आकर जनता से पूछा हो, ऐसा किन्नौर के बहुत से भोले भाले लोगों ने हमसे कहा है। कोरोना बीमारी की वजह से पूरी दुनिया परेशान है। नगर पालिका इससे बहुत दूर है। डॉक्टर कह रहे हैं गंदगी ना करें, हाथों की सफाई करते रहें, मुंह पर रुमाल रखें, खांसी जुकाम होने पर डॉक्टर से सलाह लें या डॉक्टर को बताएं, ऐसा बहुत से डॉक्टर मैसेज वीडियो के जरिए कह रहे हैं। क्योंकि गंदगी ये सबसे ज़्यादा बीमारी का धन है, इसीलिए हम अपनी साफ सफाई खुद कर सकते हैं। भीड़ भाड़ वाली इलाकों में ना जाएं, जहां पर बहुत सारे लोग जमा होते हैं वहां पर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है।
इसीलिए कह रहे हैं कि हम अपनी हिफाजत खुद करें, घर की हिफाजत खुद करें और साफ सफाई का ख्याल रखें। किन्नौर नगर पालिका साफ सफाई का ख्याल ना रखते हुए आप देख सकते हैं रोडों पर जानवर गंदगी करते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे जानवर, सुअर, कुत्ते, गधे, बकरी, बैल, ये बहुत सारे जानवर रोडों पर नजर आते हैं, जिसकी वजह से आम जनता को बहुत परेशानी उठानी पड़ रही है। इस तरफ किन्नौर नगर पालिका देखें और जरासीम कश दवाएं छिड़काव करें, जिसकी वजह से बीमारी फैलने का डर ना होता है। देखते रहिए आज की न्यूज़, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और न्यूज़ पसंद आई तो आगे ग्रुपों में शेयर कीजिए। नगर पालिका कचरा उठाने का टेंडर 12 लाख का है, इसमें रुश्वत खोरी के पीछे लग के नारे एक भी साफ नहीं हो रहे। किन्नौर नगर पालिका क्षेत्र में 4-5 जिले में नाले नहीं है नाली, फिर वो साफ सफाई क्या कर रहे, पेमेंट क्या कर रहे, सीओ का ख्याल नहीं है या कौंसिल का ख्याल नहीं है। और पब्लिक आवाज उठाना चाहिए, बस स्टैंड रोड पे एक भी नाली निकाले नहीं, नाली है नहीं, पूरी बुटने वाली है, साफ सफाई नहीं है, दुर्गंधी है, इससे मच्छर होती कोरोना होगा और कुछ हो जाएगा, इसको जवाबदार ये कौंसिल है। मच्छर पूरे गांव में पैदा कर रहे हो जवाबदार यहाँ के कौंसिल है, नगर पालिका कर्मचारी कोई कुछ नहीं कर रहे, कर्मचारी नहीं कौंसिल कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे, हफ्ता वसूली के पीछे लगे वाले है और उनको हफ्ता कहते 8,000 रुपये महीना। पालिका के रास्ते में आते का उनको जवाबदार, रोड पे पूरे नहीं चलने नहीं आता, इसको नगर पालिका कौंसिल अध्यक्ष सीओ जवाबदार है। कल को किसी का एक्सीडेंट होगा तो इनके ऊपर गुनाह दाखिल होना पड़ेगा। और चलने नहीं आता, मोटरसाइकिल नहीं, पैदल चलने नहीं आता, ये नगर पालिका निष्क्रिय है, ये कौंसिल वाले क्या खाली पैसे खाने के लिए नहीं है, हर एक दुख कम ये रोड चलने के लिए है, इन्होंने उनके हफ्ता वसूली कर लेगी, ये कर रहे, इनको ऊपर अंकुश लगाना चाहिए पब्लिक ने भी। एक्सीडेंट हुआ तो नगर पालिका जवाबदार, कौंसिल सीओ जवाबदार। और यहाँ पर जो गंदगी चल रही है रोडों पे, बहुत गंदगी है, कचरा है और नालियों में साफ सफाई नहीं है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? मेंबरों को पूछ कर लो, मेंबर क्या रिश्वत ले रहे, फोन ले रहे, क्या ले रहे, उसको बोलिए आप पत्रकार है, आप उससे आवाज उठाओ अभी। अब तो हम आपको पूछ रहे हैं ना, नागरिक को पूछ रहे हैं ना। मैं नागरिक हूँ हाँ। लेकिन इन कितने लेबर है, कितने पैसे बढ़ा रहे, क्या कर रहे, इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अच्छा, रिश्वत कोई नहीं होगी नगर पालिका।